अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करेंगे जो कि रिप्रोडक्शन के बारे में है। और आज के लेक्चर में रिप्रोडक्शन, इट्स टाइप्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं ओन काइंड के, ठीक है। और ये बेसिक प्रॉपर्टी है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी ऑलमोस्ट दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो सारे के सारे जो हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। और एक और बात नोट करने की कि लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो नेसेसरी नहीं है। हालांकि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन नेसेसरी नहीं है ये फिनोमेना। अलबत्ता अगर हम स्पीशी लेवल पे देखें तो अगर किसी स्पीशी के मेंबर रिप्रोड्यूस नहीं करते तो क्या होता है कि उस स्पीशी का जो है नामोनिशान मिट जाता है। और मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी स्पीशी के बका के लिए जो है वो ज़रूरी होती है, ठीक है। तो लिहाजा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती तो स्पीशी इन्वायरमेंट से, उस खास इन्वायरमेंट से क्या होती है, वाइप आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इट इंश्योर कॉन्टीन्यूटी ऑफ देयर काइंड, किसी भी काइंड की जो कॉन्टीन्यूटी है मतलब उसकी नस्ल को आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। हमारी इन्वायरमेंट में सिंपल प्लांट से लेकर जो है, सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इन तमाम ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं जो वो रिप्रोडक्शन या अपनी जनरेशन को आगे कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं। तमाम जितने भी मैकेनिज़म कोई ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है वो सब के सब, उनका काम क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है यानी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करना। और जब ये फिनोमेना होता है तो क्या होता है कि पेरेंट्स की जो अच्छी क्वालिटी वाली ट्रेट्स होती हैं, खसूसियात होती हैं, वो भी अगली जनरेशन तक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और ये सब किस प्रोसेस की मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिकली दो तरह की रिप्रोडक्शन जो है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस विदाउट इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू पेरेंट्स, कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहाँ पर नहीं होता जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जिसमें क्या है, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द टू गैमेट्स ऑफ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स फ्यूज टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग, जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल पेरेंट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं और उन दोनों के गैमेट्स फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसका सेल जो है वो बेसिकली यूटिलाइज होता है, तो क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं एग्जैक्ट कॉपी या क्लोन होते हैं पेरेंट्स का, कोई जेनेटिक वेरिएशन, नई करेक्टरिस्टिक जो है ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस नहीं होती। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्योंकि कुछ करेक्टर्स जो होते हैं वो मेल मेंबर से आते हैं, एक पेरेंट से आते हैं, और कुछ करेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो दूसरे पेरेंट से आते हैं, लिहाजा जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो उनके उसके पास क्या होता है, ब्लेंड ऑफ करेक्टरिस्टिक होता है दोनों पेरेंट्स का, ठीक है। तो और इस तरह क्या होता है, समटाइम चांस होता है कि इस न्यू इंडिविजुअल के अंदर, न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है जेनेटिक वेरिएशन भी प्रोड्यूस होती है, नई खसूसियात भी प्रोड्यूस हो सकती हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। अब हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स में कैसे होती है, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास बाइनरी फिशन का प्रोसेस। बाइनरी फिशन में क्या होता है, बाइनरी का मतलब है टू और फिशन का मतलब है स्प्लिट हो जाना, ब्रेक हो जाना। बाइनरी फिशन हमारे पास एक ऐसा एसेक्सुअल मेथड है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है, यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो टू में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इन विच बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो ये प्रोसेस कौन से ऑर्गेनिज्म में कैरी होता है, यूग्लिना, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया। यूग्लिना, अमीबा और क्लेमाइडोमोनास जो हैं
ये हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा में आते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो है ये मोनेरा का मेंबर है, किंगडम मोनेरा के बारे में हमने पढ़ा है, और ये क्या है, प्रोकैरियोट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी फिशन का प्रोसेस बैक्टीरिया में कैसे होता है। तो बैक्टीरिया की सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें तो हमें पता है कि बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोट है तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसका डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हुआ होता है, ठीक है। तो लिहाजा ये जो है ये इसका डीएनए यहाँ पर पड़ा हुआ है। और सेकेंड बात जो है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है जो कि काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, जब बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करने लगता है तो पहले प्रोसेस में इसको अपना ये जो डीएनए होता है इसको रेप्लिकेट करना होता है। रेप्लिकेट करने का मतलब कि कॉपी प्रोड्यूस करवानी होती है इसकी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को रेप्लिकेट किया, ठीक है। कॉपी प्रोड्यूस होगी, सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द होती है ये क्या करती है, इलांगेट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेल का साइज़ देखें और यहाँ पर साइज़ देखें, सेल मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो इलांगेट हुई। तो क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले यहाँ पर आपस में नज़दीक थे, अब अपोजिट पोल्स की तरफ जो हैं वो मूव कर गए हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स दोनों। उसके बाद क्या होता है, क्रॉस वॉल बनती है, मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वेजिनेट करती है, अंदर की तरफ धंसती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड से, ठीक है, कुछ साइटोप्लाज्म और डीएनए यहाँ पर है इस साइड में, और सेकंड डीएनए और साथ में साइटोप्लाज्म दूसरे पोर्शन की तरफ है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो इन्वेजिनेशन मज़ीद जो है डीप होती जाती है और क्रॉस वॉल जो है कम्प्लीट हो जाती है। और एंड पे क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइडों पर यहाँ पर अब क्या है, डीएनए, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन और फिर क्या, सेल वॉल मौजूद है दोनों सेल्स में। तो ये दोनों सेल सेपरेट हो जाते हैं, इन दो सेल्स को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें पेरेंट सेल के साथ, ये पेरेंट सेल था, ठीक है, तो हम देखेंगे कि पेरेंट सेल की तरह यहाँ भी डीएनए डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद है और साथ में साइटोप्लाज्म मौजूद है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है। तो इट्स मीन कि एक सिंगल पेरेंट ने दो डॉटर सेल बनाए, यानी एक सिंगल पेरेंट दो में डिवाइड हो गया, ठीक है। और क्या है कि ये डॉटर सेल्स जो हैं ये एग्जैक्ट कॉपी हैं या क्लोन हैं किसका, पेरेंट सेल का, अपने पेरेंट का। तो इट्स मीन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया जो है वो दो में डिवाइड हो गया है। अब क्या है, बैक्टीरिया की हमने बात की, तो बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद ऑलमोस्ट जो है वो डिवाइड होना शुरू कर देता है। जो डॉटर सेल्स होते हैं वो दोबारा से साइज़ में ग्रो करते हैं और एक प्रॉपर साइज़ अटेन करने के बाद जो है दोबारा से बाइनरी फिशन करते हैं। और दूसरे प्रोटिस्ट लाइक यूनिसेलुलर यूकैरियोट जिसकी हमने आगे बात की, अमीबा हो गया या यूगलिना, ये क्योंकि यूकैरियोट्स होते हैं तो इट्स मीन इसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये भी बाइनरी फिशन के प्रोसेस से जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली। इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास अमीबा है उसकी बाइनरी फिशन दिखाई गई, अमीबा इरेगुलर शेप में होता है, ठीक है। और सोडियोपोडिया के थ्रू जो है, मतलब ये आप देख सकते हैं इसके सोडियोपोडिया उसके थ्रू जो है मूवमेंट करता है। तो सबसे पहले ये दरमियान में देखें इसका न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि जो अमीबा है वो एक प्रॉपर साइज़ में आ जाता है, अटेन अ प्रॉपर साइज़, और उसके बाद ये अपना जो न्यूक्लियस होता है उसको जो है उसको मतलब उसकी कॉपी बनती है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं दो इसके मौजूद हैं, और उसके बाद क्या हुआ, सेल बॉडी बिगन्स टू डिवाइड। अब ये सेल बॉडी इसके गिर जो होती है, ये दोनों न्यूक्लियस साइड पर एक इस पोल पर एक इस पोल की तरफ मूव करता है, जो इसकी सेल बॉडी होती है वो बिगन्स टू डिवाइड हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियस भी पहले यहाँ पर जो है आपस में जो है यहाँ पर अटैच थी, अब क्या होता है स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और साथ में साइटोप्लाज्म कुछ इधर मूव कर रहा है, कुछ इधर मूव कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो इन्वेजिनेशन है वो डीप होती जाती है, और अल्टीमेटली जो है क्या होता है कि हमारे पास दो सेल्स जो हैं बन जाते हैं, दो अमीबा के सेल्स बनते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली क्या है, जिस तरह पेरेंट इरेगुलर शेप में है और उसके पास न्यूक्लियस मौजूद है, इसी तरह इन दोनों डॉटर सेल के पास न्यूक्लियस है और इरेगुलर शेप में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन सबसे पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है इस अमीबा ऑर्गेनिज्म का, और फिर बाद में इसके साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, और फिर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है और हमारे पास दो क्या बन जाते हैं, डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो अगर इसका भी हम कंपैरिजन करें ये पेरेंट सेल के साथ, तो देखिए पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी होती हैं, जो डीएनए इन में मौजूद है वही पेरेंट सेल में मौजूद है। तो इट्स मीन कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
अब हम देखते हैं थर्ड मैकेनिज्म जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म उसको इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे पास मल्टीपल फिशन। मल्टीपल का मतलब है मैनी और फिशन का मतलब है ब्रेक हो जाना, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसका न्यूक्लियाई एक दफ़ा डिवाइड करने के बजाय मेनी टाइम डिवाइड करता है, तो बहुत से न्यूक्लियाई बन जाते हैं और फिर उस न्यूक्लियाई के साथ ही क्या होता है साइटोप्लाज्म उनके इर्द गिर्द होता है, एक्यूमुलेट होता है और फिर सेल मेम्ब्रेन उन न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाती है। तो इट्स मीन के मल्टीपल डॉटर सेल्स फिर बनते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड सेवरल टाइम्स, ठीक है, प्रोड्यूसिंग सेवरल न्यूक्लियाई। द साइटोप्लाज्म देन सेपरेट्स क्रिएटिंग मल्टीपल डॉटर सेल्स, यानी जब मल्टीपल डॉटर सेल्स बनते हैं सिंगल पेरेंट से तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। अब ये प्रोसेस किन में होता है, एक तो ये होता है अमीबा में, अमीबा भी हमने आगे भी बात की कि बाइनरी फिशन, नॉर्मली अमीबा में बाइनरी फिशन प्रोसेस होते हैं, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं होती, तो अमीबा जो होता है वो मल्टीपल फिशन के प्रोसेस से भी जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम जो है जो कि मलेरियल पैरासाइट होता है, ठीक है, ये भी इस प्रोसेस से मल्टीपल फिशन के प्रोसेस जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। हम इन दोनों ऑर्गेनिज्म में देखते हैं क्या होता है, जो मेन मल्टीपल फिशन के प्रोसेस में एक मेन फिनोमेना होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो सेल होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहते हैं सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो बनती है उसको सिस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये अमीबा को देखते हैं तो देखें ये हमारे पास इरेगुलर शेप में अमीबा मौजूद है और दरमियान में उसका न्यूक्लियस मौजूद है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ, इस अमीबा के इर्द गिर्द क्या बन गया, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये आपको जो ग्रीन आउटलाइन सी नज़र आ रही है ये इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई, ठीक है, इसको सिस्ट बोलेंगे। और साथ ही क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस ये था इसने डिवाइड किया सेवरल टाइम, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बन गए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन छोटे छोटे न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म इसके इर्द गिर्द एक्यूमुलेट हुआ और साथ ही सेल मेम्ब्रेन जो है बनना शुरू होगी। तो इट्स मीन साइटोप्लाज्म मौजूद है, मेम्ब्रेन मौजूद है और न्यूक्लियाई मौजूद है, तो इट्स मीन एक पूरा डॉटर सेल बना हुआ है। तो इन सब न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द यही फिनोमेना होता है, सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। तो इट्स मीन कि अब ये जो सिस्ट है इसके अंदर जो है बहुत से डॉटर न्यूक्लियाई मौजूद हैं। क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन अराइव होती है आती है तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग ब्रेक हो जाती है और ये आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर बने हुए थे डॉटर सेल वो सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हर डॉटर सेल के पास क्या है, इरेगुलर शेप में न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है और उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन भी है। सेम प्रोसेस जो है प्लाज्मोडियम में आप देख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम सेल है दरमियान में, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म और ये उसका न्यूक्लियस है। और अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है नॉर्मली तो क्या होता है, आप यहाँ पर देखें यहाँ इसके गिर्द क्या बन गया, एक प्रोटेक्टिव वॉल बनती है जिसको हमने सिस्ट बोला था। और फिर क्या होता है, न्यूक्लियाई डिवाइड करता है सेवरल टाइम, मल्टीपल आप देख सकते हैं मल्टीपल न्यूक्लियाई और उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बन जाती है, तो डॉटर सेल्स बन गए हैं, ठीक है। और अब क्या हुआ कि जब सिस्ट ब्रेक करती है तो इस क्या होता है कि जितने भी डॉटर सेल्स हैं वो सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं। तो इट्स मीन एक सिंगल सेल जो था उससे बहुत से डॉटर न्यूक्लियाई जब बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कुछ ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं वो है बडिंग। बडिंग का फिनोमेना किन में होता है, जो खासतौर पर यीस्ट है जो कि एक फंगस होती है, ठीक है, उसमें एक यूनिसेलुलर फंगस है, उसमें वो इस मैकेनिज्म के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। बडिंग को फिनोमेना को देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बड क्या होती है। बड क्या है, कोई भी प्लेन सरफेस के ऊपर जब कोई आउटग्रोथ डिवेल्प हो जाती है, लाइक एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो आउटग्रोथ या उभार सा पैदा हो जाता है इस आउटग्रोथ को हम बोलते हैं बड बोलते हैं। तो लिहाजा बडिंग एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड, इस बड ये आउटग्रोथ या जो बड है इससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो इसमें ये फिनोमेना होता है।
अब क्या होता है कि लाइक ये आपको आपके सामने जो है यीस्ट का दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि इस यीस्ट के ऊपर यहाँ पर भी बड ग्रो हुई है, यहाँ पर भी, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इन सब पे बड ग्रो हुई है। होता क्या है कि बड ग्रो करती है सेल की साइड पर, न्यूक्लियस यहाँ पर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है वो डिवाइड होता है दो में, और एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इस बड में मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बड साइज में ग्रो करना शुरू कर देती है, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि इस तरह साइज में ग्रो करती रहती है, और कभी कभी तो ये इस पेरेंट, ये इसका पेरेंट सेल है, ठीक है, ये वाला सेल जो है पेरेंट सेल है। अब कुछ समटाइम जो है ये बड इस पेरेंट सेल के साथ ही अटैच रहती है, और समटाइम क्या होता है इससे डिटैच हो जाती है और फिर इंडिपेंडेंट लाइफ, जैसे इसका ये पेरेंट सेल इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है, इसी तरह ये बड, क्योंकि इसके पास भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद है, लिहाजा ये भी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारती है, और फिर ये बड भी आगे जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म बनती है, ये भी फिर आगे बडिंग के प्रोसेस से जो है रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली, ठीक है। तो ये इसमें ये फिनोमेना होता है। नेक्स्ट जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके थ्रू कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, वो है स्पोर फॉर्मेशन। ये भी जो हमारे पास फंगस होती है राइजोपस, उसमें जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, उसमें जो है बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वो जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये बेसिकली एक राइजोपस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इस राइजोपस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिलामेंट लाइक, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। अब ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी टिप पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक से क्या होते हैं, हमारे पास स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और स्पोर्स क्या होते हैं, लाइट वेट ड्राई थिक वॉल जो हैं सेल्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये स्पोर्स, देखें यहाँ पर भी स्पोर्स मौजूद हैं, इस पुरंचे में भी, इन सब में क्या मौजूद है, स्पोर मौजूद है। जब ये स्पोर्स मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया जो होता है ये बस्ट हो जाता है। तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्सल हो रहा है, ये स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर हवा या किसी दूसरी चीज़ के थ्रू क्या होता है, ये जो पेरेंट बॉडी होती है वहाँ से जो है दूर, जो है उनको क्या किया जाता है, दूर पेरेंट बॉडी से जो है डिस्पर्स कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि अगर उनको वहाँ पर कंडीशन फेवरेबल मिले, ठीक है, जहाँ पर ये स्पोर्स मौजूद हैं वहाँ पर पानी, लाइट और ऑक्सीजन और मॉइस्चर अगर उनको मिलता है इन स्पोर्स को, तो ये स्पोर्स क्या होते हैं, फिर दोबारा से इसी स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं, ठीक है, यानी फंगस बना देते हैं। और हमें पता है कि फंगस खासतौर पर जो है उस जगह पर ग्रो करती है जहाँ पर थोड़ी सी नमी वगैरह मौजूद होती है, तो लिहाजा ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। तो स्पोर्स का क्या काम है कि स्पोर्स जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी जो है सर्वाइव करते हैं, मतलब रेजिस्टेंट शो करते हैं एडवर्स अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन आती हैं, और जब सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन आती है तो फौरन इन स्पोर, ये जो स्पोर्स होते हैं इससे एक न्यू जो है वो फंगस फिर ग्रो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है एसेक्सुअली जो हमारे पास ब्रेड मोल्ड है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये आपको बेसिकली जो है ब्रेड मोल्ड को दिखाया गया है कि ब्रेड पे जो फंगस लगती है वो बेसिकली ये वाली फंगस होती है, ठीक है। और जब भी हमें पता है कि जब नमी वगैरह हो जाती है तो खासतौर पर ये फंगस ग्रो करती है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है एसेक्सुअल मेथड के कुछ मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।